it softly spoken with no strings tying you to me. Hello guys, good morning to all of you and welcome back to my channel Sarla Sihan Vlogs. जैसे कि आज मेरी मॉर्निंग हो गई है लेकिन अभी तक मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हुई हूँ. सो आज जो मॉर्निंग है आज की वो बहुत ही ठंडी सी मॉर्निंग है. सो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा व्यू. सो गाइस, ये है मेरे घर के सामने का व्यू जो इस तरह से दिखता है. और अभी जैसे आप देख पा रहे हो मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसकी वजह से जो आपको ये व्यू दिख रहा है वो बहुत ही सुंदर लगता है. इसमें सामने के लिए गांव है जो अभी आपको प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहे हैं. और इस साइड को है शरशाफ्ट और यहाँ से ऊपर जाते हैं ये सामने गांव है ज्वालापुर, जिसको हम शॉर्टकट में जड़ीन भी बोलते हैं. सो, आप देख पा रहे हो ऊपर जो हाइट में यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ है. तो ये है स्नोफॉल. सो गाइस, मैं हो गई हूँ बिल्कुल नहा के एकदम रेडी. सो आज जो है मेरी छुट्टी है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी. और मेरे फैमिली मेंबर्स, आज पापा ऑफिस गए हैं और मम्मी गए हैं हमारे, कोई आए थे हमारे घर में गेस्ट, उनको छोड़ने. तो घर में बच के मैं, मेरा ब्रदर, वो भी आज ऑफिस नहीं गया. और मेरी भी आज छुट्टी, क्योंकि आज जो मेरी दादी जी है शी इज़ नॉट फीलिंग वेल. तो हम उनको लेके जा रहे हैं आज हॉस्पिटल. और साथ में दादी और छोटी दादी जाएंगे पोस्ट ऑफिस कुछ काम से. मैं और मेरा कज़न हम जाएंगे उनके साथ. तो आगे की जो अभी जर्नी होगी मैं आपसे शेयर करूंगी. तो अब चलते हैं हम यहाँ से झाकड़ी की तरफ. झाकड़ी यहाँ से लगभग 12 से 14 किलोमीटर दूर है. सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और साथ साथ. सो ये चल पड़े हैं हम घर से बस स्टैंड की तरफ को. और ये देखो गाइस, जैसे आपको दिख रहा है मेरे गांव में है छोटी छोटी गलियाँ. और ये है हमारे गांव में सबसे फेमस टेंपल देवता साहब दत्त महाराज का, जिनका आशीर्वाद हमेशा हम पे रहता है. और ये हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड. और यहाँ से अब सो गाइस, अब हम यहाँ से चल पड़े हैं झाकड़ी की तरफ. जैसे कि आप देख पा रहे हो बस स्टैंड से हो चुकी हमारी जर्नी स्टार्ट. और यहाँ पे क्या होता है, गाड़ी लगाने की बहुत दिक्कत होती है. तो इस और ये हम पहुँच गए हैं रास्ते में. यहाँ से हमने दादी जी को पिक करना है, मेरी दो दादियाँ, जिन्हें हमें पहले लेके जाना है पोस्ट ऑफिस, उसके बाद हॉस्पिटल. तो ये है दोनों दादियाँ. तो हम ये वेट कर रहे हैं अज्जू का. दादियाँ आ गई, कनिका कुसू दोनों आ गए हैं. ये देखो दादी बैठे हैं, ये बड़ी दादी है, ये वाले छोटी दादी है. सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी. हम पहुँच गए हैं रास्ते में. और जैसे कि मैंने आपको नहीं बताया, हमारा जो घर है वो बिल्कुल गांव में है, सेंटर में आता है. वहाँ से एक रास्ता नीचे के लिए आता है और एक ऊपर के लिए जाता है. ऊपर के लिए जो जाता है वो हम बस स्टैंड के लिए जाते हैं, और नीचे के लिए यही रास्ता घूम के आगे के लिए आता है. तो चढ़ाई चढ़ने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. सो हमारी जो मेरी जो गाड़ी होती है वो बस स्टैंड पे होती है, जहाँ पे चलने के लिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. इसलिए हम वहाँ से घूम के आए और दादियाँ आगे को आई. और जो अज्जू है वो अभी आ रहा है, वो बहुत ही सुस्त है, बहुत ही लेट है. तो अभी वो खाना खा रहा है. इन दोनों का है आज स्कूल. आज इनको लग रही है वैक्सीन सेकेंड डोज. इनमें से ये वाली तनिषा, ये 9th स्टैंडर्ड में है, एंड शीज़ कनिका जो 10th स्टैंडर्ड में है. सो हम अज्जू का वेट करते हैं. अज्जू आ चुका है. Freedom.
हम पहुंचने वाले हैं रामपुर, और रामपुर में हमारा जो भी थोड़ा बहुत काम है उसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और अब चल पड़े हम घर की तरफ को। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जल्दी ही मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी। थैंक यू।